Welcome to my class. In Excel, there are a number of logical functions given to us. For example, we have if function, and function, or function, not function. Ifs function, if and a function, if error function, true function, false function, switch function, and the last one is XR function. All these are logical functions. In the present video, we will talk about NOT function. And this is example 1. NOT function is a part of logical function. Aayega move karte hain example 1 ki taraf. Is example ke andar NOT function se related ek structure mujhe bana ke diya gaya hai. Iske andar do cheeze important hain jo ki main aapke saath sabse pehle discuss kar deta hoon. These are the different cell values given to us. And there is another value, that is condition value. Mujhe yahan par check karna hai, kya 53 50 se bada hai? Kya 29 50 se bada hai? Mujhe in cheezon ko check karna hai. In cheezon ko check karne ke liye, sabse pehle main aapke samne ek bahut simple sa function le leta hoon, that is if function. So main yahan par if function ko take up kar raha hoon. If B5 is greater than 50, student note kijiyega, jab main is function ko leke niche drag karunga to ye values to change ho jayengi jo cell value ke andar di gayi hai, lekin main condition wali value ko change nahi karna chahta, ye value fix rahe. Iske liye maine C2 ke andar F4 ko press kar diya aur maine isko absolute referencing ke andar convert kar diya. अगर B5 C2 से बड़ा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो सेकंड आर्गुमेंट, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रू, इंप्लीमेंट कर दो. अदरवाइज थर्ड आर्गुमेंट को, विच इज इन द फॉर्म ऑफ फॉल्स, ये इंप्लीमेंट कर दो. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. स्टूडेंट आइएगा, देखिएगा, इसको हम चेक करते हैं. If B5 के अंदर वैल्यू है 53, is greater than C2 के अंदर वैल्यू है 50, क्या 53 50 से बड़ा है? ये ट्रू है तो फर्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो, और फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें कहा गया है कि ट्रू को ही लिख दो. सो मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, ये हमें ट्रू दे देगा. मैं फिल हैंडल के थ्रू इसे नीचे ड्रैग करता हूं. सेकेंड रो के अंदर मेरे पास आया फॉल्स, मैं इसको भी चेक करना चाहता हूं. इफ B6 इज ग्रेटर देन C2, B6 के अंदर वैल्यू है 29, C2 के अंदर वैल्यू है 50, क्या 29 50 से बड़ा है? आंसर इज नो, ये फॉल्स है, ये झूठ है, ये गलत है. अगर तो ये ट्रू नहीं है तो फर्स्ट वाले पार्ट को इंप्लीमेंट मत करो, सेकेंड वाले पार्ट को इंप्लीमेंट कर दो, और सेकेंड वाले पार्ट के अंदर हमें कहा गया है फॉल्स लिख दो. आई प्रेस एंटर, मेरे पास यहां पर ये ट्रू और फॉल्स रिजल्ट्स आ गए. मैं फिल हैंडल के थ्रू इसको ड्रैग कर देता हूं. हमने जिस फंक्शन को यहां पर यूज किया, मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो फंक्शन यहां पर दे रहा हूं. स्टूडेंट, ये तो काम बहुत ही आसान था कि आपने इफ फंक्शन को यूज करके दो वैल्यूज को कंपेयर करवा दिया, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमारा फोकस इफ फंक्शन के ऊपर नहीं है, बल्कि हमारा फोकस यूजिंग नॉट ग्रेटर देन एंड यूजिंग नॉट लेस देन, इन दो मेथड के ऊपर है. आइएगा इस पर्टिकुलर मेथड को टेक अप करते हैं और फिर इसे एनालाइज करते हैं कि ये ऐसा क्यों दिया गया है. दिस इज इक्वल्स टू नॉट B5 ग्रेटर देन दिस वैल्यू. जैसे हमने इफ के फंक्शन के अंदर इसे फिक्स किया था, सिमिलरली मैं नॉट के फंक्शन के अंदर भी C2 को फिक्स कर रहा हूं F4 प्रेस करके, क्योंकि जब हम ड्रैग करें तो इसकी रेफरेंस चेंज नहीं होनी चाहिए. आई क्लोज पेरेंथेसिस. इससे पहले कि मैं एंटर प्रेस करूं, स्टूडेंट इसका मीनिंग समझेंगे. इसके अंदर हमें ये जो पेरेंथेसिस का पार्ट है, पहले इसको एनालाइज करना है, जिसके अंदर लिखा गया है B5 ग्रेटर देन C2. B5 के अंदर वैल्यू है 53 और C2 के अंदर वैल्यू है 50. क्या 53 50 से बड़ा है?
ये जो हमें आर्गुमेंट के अंदर वैल्यू दी गई है हमने इसको चेक करना है, 5350 से बड़ा है, B5C2 से बड़ा है, ये ट्रू है, ये रिजल्ट आर्गुमेंट का जो रिजल्ट है ये ट्रू है, लेकिन जो नॉट फंक्शन है ये उस ट्रू को रिवर्स कर देगा। जब हम ये कहते हैं कि ये ट्रू पार्ट है, B5 ग्रेटर देन C2 ये ट्रू पार्ट है, तो बाहर वाला पार्ट ये कहता है नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मीन्स जो सच नहीं है, जो सच नहीं है वो फॉल्स है, तो यहां पर हमें रिजल्ट फॉल्स आएगा। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं और ये मुझे रिजल्ट फॉल्स दे रहा है। मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं, सेकेंड केस के अंदर ये हमारे पास ट्रू आया, मैं इसी पे डबल क्लिक कर रहा हूं तो मेरे पास फंक्शन ओपन हो गया। सबसे पहले हम ये आर्गुमेंट के पार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। B6 के अंदर वैल्यू है 29 ग्रेटर देन C2, C2 के अंदर वैल्यू है 50। क्या 29 50 से बड़ा है? ये तो फॉल्स है, ये तो गलत है, ये तो झूठ है। जब ये पार्ट फॉल्स है तो नॉट फंक्शन इसको क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। तब हम इसको ऐसे बोलेंगे नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स मीन्स दिस इज ट्रू। मैं अब एंटर प्रेस कर रहा हूं। आप लोगों ने देखा कि जो हमारा नॉर्मल रिजल्ट आता है नॉट फंक्शन उसको बिल्कुल रिवर्स कर देता है। अगर इफ फंक्शन ने फॉल्स 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 दिया है तो नॉट ग्रेटर देन ने हमें ट्रू ट्रू और ट्रू दिया है। इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर मैंने जिस फंक्शन को इंप्लीमेंट किया वो मैं आपके रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं। अब मैं इसके बाद सेकंड मेथड की तरफ आता हूं और सेकंड मेथड के अंदर मैं नॉट लेस देन को यूज करूंगा। सो सबसे पहले तो मैं यहां पर फंक्शन लिख रहा हूं इक्वल्स टू नॉट B5 लेस देन कंडीशन वैल्यू दैट इज C2। रेफरेंस चेंज ना हो जाए C2 का, मैं F4 को प्रेस करके इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। पेरेंथेसिस क्लोज। स्टूडेंट हम सबसे पहले नॉट फंक्शन के आर्गुमेंट पार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे जिसके अंदर हमें कहा गया है B5 लेस देन C2। B5 के अंदर वैल्यू है 53 और C2 के अंदर वैल्यू है 50। 53 कम है 50 से, नो ये तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स है। लेकिन नॉट क्या करता है? नॉट कहता है नॉट फॉल्स, यानी कि ये गलत नहीं है, दिस इज नॉट फॉल्स। जब हम कहते हैं नॉट फॉल्स इट मीन्स दिस इज ट्रू। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमारे पास रिजल्ट ट्रू आ गया। मैं इसी तरह से इस रिजल्ट को यहां पर ड्रैग डाउन कर देता हूं। आप एक चीज को नोट कीजिएगा, जो रिजल्ट हमें इफ फंक्शन ने दिया वही रिजल्ट हमें नॉट लेस देन ने दिया। अब हम यहां पर लास्ट पॉइंट की इंटरप्रिटेशन को देखते हैं। सबसे पहले हम आर्गुमेंट के पार्ट को चेक करेंगे। B12 लेस देन C2, B12 49 है और C2 50 है। आंसर इज ट्रू, ये बिल्कुल सही है, 49 इज लेस देन 50, ट्रू है। जब हम कहते हैं नॉट ट्रू है तो नॉट ट्रू का मतलब ये फॉल्स है। जब मैं इसे एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे फॉल्स देगा। जिस फंक्शन को हमने यहां पर यूज किया मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो यहां पर दे रहा हूं। तो स्टूडेंट एक चीज यहां से क्लियर हो जानी चाहिए, इफ फंक्शन ने हमें यहां पर वैल्यू को इवेल्युएट करके बतलाया था ट्रू है या फॉल्स है। नॉट फंक्शन इस इफ फंक्शन की वैल्यू को, नॉट ग्रेटर देन फंक्शन इस इफ फंक्शन की वैल्यू को अपोजिट कर देता है, जबकि नॉट लेस देन इफ फंक्शन की वैल्यू को एज इट इज ही रहने देगा। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच।